Hello guys, this is P. Gupta and you're watching Jithra Institution. Guys, if you want to learn English fluently, you can watch these videos because in this video I have used very short sentences. Those are very important for you. So, let's start this. दोस्तों मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो मैं लेट हो जाऊंगा तो आप इंग्लिश में कहोगे I will get late. अगला सेंटेंस है मैं लेट हो रहा हूँ. अगर आप कहना चाहते हो मैं लेट हो रहा हूँ तो आप इंग्लिश में कहोगे I am getting late. अगला सेंटेंस है अंधेरा होता जा रहा है तो आप इंग्लिश में कहोगे It's getting dark. अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है तो आप इसे दो तरीके से कह सकते हो. I have to talk to you about something important. या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं I need to discuss something important with you. अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो उसकी शादी हो गई तो आप इंग्लिश में कहोगे He got married. अगला सेंटेंस है उसकी मंगनी हो गई तो आप इंग्लिश में कहोगे He got engaged. अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो उसकी शादी हो रही है तो आप इंग्लिश में कहोगे He is getting married. अगला सेंटेंस देख लेते हैं उसे उसके हिस्से का काम करने दो. अगर आप किसी को कहना चाहते हो उसे उसके हिस्से का काम करने दो तो आप इंग्लिश में कहोगे Let him do his share of work. अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों. ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप भी कभी न कभी इसका यूज़ ज़रूर करते हो. जैसे मैं कुछ भी करूँ तुमसे मतलब तो आप इंग्लिश में कहोगे Whatever I do, how does it concern to you? अगला सेंटेंस है वो डर गया. मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो वो डर गया तो आप इंग्लिश में कहोगे He got scared. अगला सेंटेंस देख लेते हैं वो बहुत इमोशनल हो गई थी तो आप इंग्लिश में कहोगे She got very emotional. अगर वहीं मान लीजिए आप कोहली के बारे में कहना चाहते हो कोहली 99 रन पर आउट हो गया था तो आप इंग्लिश में कहोगे कोहली गॉट आउट एट 99 रन्स. अगला सेंटेंस है ये पेन मेरे बैग में कैसे आया तो आप इंग्लिश में कहोगे How did this pen get into my bag? अगला सेंटेंस है तुम दिन पर दिन पतले होते जा रहे हो. आप अगर अपने किसी फ्रेंड से कहना चाहते हो तुम दिन पर दिन पतले होते जा रहे हो तो आप इंग्लिश में कहोगे You are getting slimmer day by day. दोस्तों आजकल ठंडी का मौसम है तो बिस्तर में जाना लाजमी है और जब आप उसमें से निकलने चाहते हो तो निकलने का बिल्कुल भी जी आपका नहीं करता हो तो मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो बिस्तर से बाहर निकलो तो आप इंग्लिश में कहोगे Get out of the bed. अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मुझे रोज़ न्यूज़पेपर मिलता है तो आप इंग्लिश में कहते हो I get newspaper every day. अगला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों. मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो क्या मेरी बात तुम तक पहुंच रही है तो आप इंग्लिश में कहोगे Are you getting me? अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों. मान लीजिए आप अपने किसी पड़ोसी से कहना चाहते हो क्या मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है क्या मुझे
थोड़ी चीनी मिल सकती है? तो आप इंग्लिश में कहोगे कैन आई गेट सम शुगर, कैन आई गेट सम शुगर। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या मुझे आपके कंपनी में जॉब मिल सकती है? मान लीजिए आप किसी से कहते हो क्या मुझे आपके कंपनी में जॉब मिल सकती है, तो आप इंग्लिश में कहोगे कैन आई गेट अ जॉब इन योर कंपनी, कैन आई गेट अ जॉब इन योर कंपनी। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपने एक नई कार ली है और आप कहना चाहते हो मैंने नई कार ली है, मैंने नई कार ली है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव गॉट अ न्यू कार, आई हैव गॉट ए न्यू कार। अगर वहीं आप किसी के लिए गिफ्ट लाए हों और आप उससे कहना चाहते हो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू, आई हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, तुम मेरे लिए कुछ लाए हो। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछना चाहता हो तुम मेरे लिए कुछ लाए हो, तो इंग्लिश में कहेगा हैव यू गॉट समथिंग फॉर मी, हैव यू गॉट समथिंग फॉर मी। अगला सेंटेंस है, हमने अपने कमरे के लिए एक नया टीवी लिया है, हमने अपने कमरे के लिए एक नया टीवी लिया है, तो आप इंग्लिश में कहोगे वी हैव गॉट अ न्यू टीवी फॉर अवर रूम, वी हैव गॉट अ न्यू टीवी फॉर अवर रूम। अगला सेंटेंस है, मार्केट से मेरी दवा ले आना। मान लीजिए आपसे आपके पेरेंट्स कहते हो मार्केट से मेरी दवा ले आना, तो वो इंग्लिश में कह सकते हैं प्लीज़ गेट माई मेडिसिन फ्राम द मार्केट, प्लीज़ गेट माई मेडिसिन फ्राम द मार्केट। अगला सेंटेंस है, एक ग्लास ले आना, एक ग्लास ले आना, तो आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ गेट अ ग्लास, प्लीज़ गेट ए ग्लास। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मैं स्कूल से बच्चों को ले आऊँगा, मैं स्कूल से बच्चों को ले आऊँगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल, आई विल गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल। अगर वहीं आपसे कोई पूछना चाहे स्कूल से बच्चों को कौन लाएगा, स्कूल से बच्चों को कौन लाएगा, तो वो इंग्लिश में कह सकता है हु विल गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल, हु विल गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो तुम स्कूल से बच्चों को ले आओगे, तुम स्कूल से बच्चों को ले आओगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे विल यू गेट द किड्स फ्रॉम द स्कूल, विल यू गेट द किड्स फ्रॉम स्कूल। अगला सेंटेंस है, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मुझे नौकरी मिल गई है, मुझे नौकरी मिल गई है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैव गॉट ए जॉब, आई हैव गॉट ए जॉब। वहीं अगर आप किसी से कहना चाहते हो मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई हैवेंट गॉट अ जॉब येट, आई हैवेंट गॉट अ जॉब येट। दोस्तों मान लीजिए अगर आप किसी से पूछना चाहते हो मुझे पासपोर्ट कब मिलेगा, मुझे पासपोर्ट कब मिलेगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन विल आई गेट माय पासपोर्ट, व्हेन विल आई गेट माय पासपोर्ट। अगला सेंटेंस है, यह उसके कर्मों का परिणाम है, यह उसके कर्मों का परिणाम है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर डीड्स, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर डीड्स। अगला सेंटेंस है, इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिया गया है। मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन पेपर में लिखा गया हो इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिया गया है, तो वहाँ पर इंग्लिश में लिखा होगा द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो। दोस्तों अब जो सेंटेंस मैं यूज करने वाला हूँ वो आप ज़रूर यूज किए होंगे, जैसे मैं यूँ गया यूँ आया, मैं यूँ गया यूँ आया, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। अगला सेंटेंस है, एकदम कोयले की तरह काला हो तुम, एकदम कोयले की तरह काला हो तुम, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे
एग्जैक्टली यू आर एज ब्लैक एज कोल, एग्जैक्टली यू आर एज ब्लैक एज कोल। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो एकदम दूध की तरह उजला था वह, एकदम दूध की तरह उजला था वह, तो आप इंग्लिश में कहोगे दैट वॉज एग्जैक्टली एज वाइट एज मिल्क, दैट वॉज एग्जैक्टली एज वाइट एज मिल्क। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो दरअसल मैं उसको कॉल नहीं करना चाहता, दरअसल मैं उसको कॉल नहीं करना चाहता, तो आप इंग्लिश में कहोगे एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू कॉल हर, एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू कॉल हर। अगला सेंटेंस है मैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के नाटक से तंग आ चुका हूँ, मैं तुम्हारे रोज़ रोज़ के नाटक से तंग आ चुका हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर डेली ड्रामा, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर डेली ड्रामा। अगला सेंटेंस है मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितना आप हो। दोस्तों मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितना आप हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम एज सरप्राइज्ड एज यू आर, आई एम एज सरप्राइज्ड एज यू आर। अगला सेंटेंस है क्या आप सब मेरे विचारों से सहमत हैं, क्या आप सब मेरे विचारों से सहमत हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे डू यू ऑल एग्री विद माई आइडियाज़, डू यू ऑल एग्री विद माई आइडियाज़। अगला सेंटेंस है ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों अगर आप किसी से कहना चाहते हो ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स नो लेस देन अ मिरेकल फॉर मी, इट्स नो लेस देन अ मिरेकल फॉर मी। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो वाजिब दाम लगाओ तभी मैं खरीदूँगा, वाजिब दाम लगाओ तभी मैं खरीदूंगा, तो आप इंग्लिश में कहोगे कोट अ फेयर प्राइस देन ओनली आई विल बाइट, कोट अ फेयर प्राइस देन ओनली आई विल बाइट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं जब मैं घर आया तब सब सो चुके थे, जब मैं घर आया तब सब सो चुके थे, तो आप इंग्लिश में कहोगे एवरीबडी हैड स्लेप्ट व्हेन आई अराइव्ड होम, एवरीबडी हैड स्लेप्ट When I arrived home।